गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग फोर्थ क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 8 चल रहा है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलो किताब के अंदर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डज ए साउंड माइंड लिव, वेयर डज ए साउंड माइंड लिव, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर है। ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, यहाँ तक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है। तो स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, इसी पैराग्राफ के अंदर है। क्लीनलीनेस इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पैराग्राफ के अंदर। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी क्लीनड, लाइट एंड एयर आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, लाइट एंड एयर आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, वाई शुड वी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ प्योर वाटर, हम पर्याप्त रूप से शुद्ध पानी क्यों पीते हैं। फॉर गुड हेल्थ, क्योंकि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम शुद्ध पानी पीते हैं। व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, यानी जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है, गुड हेल्थ, जीवन में सफलता के लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ए हेल्थी मैन इज खालिस्तान हैप्पी, ए हेल्थी मैन इज ऑलवेज हैप्पी, तो रिक्त स्थान के अंदर जाएगा ऑलवेज, ए हेल्थी मैन इज ऑलवेज हैप्पी। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी आ जाएगा, प्लेंटी ऑफ प्योर वाटर, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी आ जाएगा इसके अंदर। वी शुड खालिस्तान गिव अप ओवर बेड हैबिट्स, तो वी शुड गिव अप ओवर बेड हैबिट्स हो जाएगा। वी शुड नॉट प्ले ऑल द टाइम। अगला क्वेश्चन देखो, राइट टी फॉर ट्रू, यदि जो वाक्य सही हो उसके कोष्ठक के अंदर टी लगाओगे, एंड एफ फॉर फॉल्स, और जो गलत हो उसके एफ लगाओगे। इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, यदि हमारा स्वास्थ्य खो जाए, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो सब कुछ खो जाता है। यदि किसी का स्वास्थ्य खो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सही है, टी आ जाएगा। ए साउंड माइंड लिव्स इन ए स्ट्रॉन्ग बॉडी, ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी आएगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं आएगा, इसलिए एफ आ जाएगा इसमें। क्लीनलीनेस इज वेरी बेड फॉर हेल्थ, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, गलत है, एफ आ जाएगा इसमें भी। गुड फूड इज वेरी एसेंशियल, एसेंशियल का अर्थ हो जाएगा आवश्यक। गुड फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, सही है, टी आ जाएगा इसके अंदर। मेस द फॉलोइंग, तो वी शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, इसके अंदर आ जाएगा वी शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तीसरे नंबर का आ जाएगा इसके अंदर। वी शुड टेक रेस्ट एंड स्लीप वेल, इसके अंदर एक आ जाएगा। वी शुड ऑलवेज
वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, इसके अंदर आ जाएगा चौथे नंबर का, वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, यानी हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। वी शुड नेवर ईट मोर, वी शुड नेवर ईट मोर, हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन आंसर करने हैं आगे, कल दो क्वेश्चन कल बता देंगे।